प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभातखबर.com। डर दुनिया की सबसे बड़ी रुकावट है। यदि आपके मन में डर है तो साधारण सी परछाई भी आपकी सांसें रोक देगी। आप डर गए तो फरलांग भर की ऊंचाई भी आपको आगे बढ़ने से रोक देगी। लेकिन हिम्मत सबसे बड़ा हथियार है। हिम्मत जो किसी को एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचा देता है। हिम्मत जो किसी माँ को अपने बच्चे के लिए मगरमच्छ से लड़वा देता है। हिम्मत जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। इसीलिए तो एक विज्ञापन में अभिनेता कहता है, डर के आगे जीत है। सही ही कहता है, ये बात अब साबित भी हो गई है। झारखंड की एक आदिवासी बेटी ने साबित किया है, यदि हिम्मत हो तो किसी का भी मुकाबला किया जा सकता है। चाहे सामने वाला हथियारों से लैस ही क्यों ना हो, चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। ये कहानी है गुमला में एक आदिवासी युवती विनीता उरांव की। रात को क्या हुआ था? रात में वो लोग आया और भीम उरांव खोलो दरवाजा ऐसे करके बोला। उसके बाद में नहीं खोले हम लोग और गोली चलाने शुरू कर दिया वो लोग। और हम दरवाजा वगैरह खड़ा हो गए, हम टांगे धर के ऐसे किए थे और वो लोग जैसे घुसे वैसे हम मारवे किए। और आप टांगी मारे, उसके बाद वो लोग भाग गया? हाँ, हम टांगी मारे उस टाइम वो लोग भाग गया। कौन लोग था? बसंत गोप। विनीता ने अपने परिवार की रक्षा के लिए जो किया उसकी हर कोई मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहा है। आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं। गुमला जिले से 10 किलोमीटर की दूरी पर है वृंदा नायक टोली गांव। यहां विनीता अपने पति भीम उरांव, भाई पीयूष और माँ सहित दो बच्चों के साथ रहती। मंगलवार की रात सभी खाना खाकर सो रहे थे, तभी अचानक उन्होंने फायरिंग की आवाज सुनी। ये नक्सली थे PLFI के। करीब 5 से 6 की संख्या में नक्सलियों ने विनीता के घर को घेर लिया। वे लोग विनीता के पति भीम से बाहर आने के लिए कह रहे थे। हवाई फायरिंग भी जारी थी। जब कुछ समय बीतने के बाद घर वालों ने दरवाजा नहीं खोला तो नक्सलियों ने दरवाजा तोड़ दिया। वे घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनमें से एक पर टांगी से जोरदार हमला हुआ। हमला होते ही वो गिर पड़ा। गिरने के बाद भी उसके ऊपर कई वार हुए। हमला करने वाली विनीता उरांव थी। हमले का शिकार हुआ था बसंत गोप, PLFI का एरिया कमांडर। शिकार करने आया था लेकिन खुद शिकार हो गया। जैसे ही बसंत गोप पर हमला हुआ उसके साथी भौचक्के रह गए। उन्होंने किसी तरह से अपने कमांडर को उठाया और भाग खड़े हुए। बसंत गोप बुरी तरह से घायल हो चुका था। नक्सलियों के जाने के बाद विनीता ने गुमला के SP HP जनार्दन को फोन किया, उन्हें सारी बात बताई। पुलिस फौरन गांव पहुंची और फिलहाल यही कैंप कर रही है। बुधवार को छापेमारी के दौरान बसंत गोप का शव जंगल में मिला। शायद मौत हो जाने की वजह से साथी उसे जंगल में ही छोड़कर फरार हो गए थे। बसंत गोप की लाश के साथ एक लकड़ी भी बंधी थी। आखिर में सवाल ये उठता है कि नक्सलियों की विनीता के परिवार से क्या दुश्मनी? एक साधारण से परिवार पर नक्सलियों ने हमला क्यों किया? चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। कुछ साल पहले विनीता के पिता शनिचरवा उरांव जल छाजन का काम करवाते थे। नक्सलियों ने तब उनसे 50,000 रुपए की लेवी मांगी थी। उन्होंने लेवी देने से इनकार कर दिया। ये बात नक्सलियों को नागवार गुजरी। उन्होंने शनिचरवा उरांव की हत्या कर दी। इस घटना के बाद परिवार के बाकी 6 लोग रांची चले आए, यहीं मजदूरी करने लगे। लॉकडाउन की वजह से पूरा परिवार वापस गांव आ गया था। मंगलवार की रात इस परिवार पर हमला हो गया। विनीता बताती है, नक्सलियों ने अब तक 6 बार हमारे परिवार पर हमला किया है। उनकी डर की वजह से ही हम रांची में रहते थे। अभी वापस आना पड़ा तो PLFI के एरिया कमांडर सहित 6 लोगों ने फिर से हमारे परिवार पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि इस बार विनीता की हिम्मत ने पूरे परिवार को बचा लिया। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें और ताज़ा अपडेट्स के लिए प्रभातखबर.com के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।